अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ूफ़ीस कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो एक बार फिर हाजिर हूँ और आप सबके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार आसान सा सूजी का हलवा। मेरी बेटी माहिरा को ये हलवा बहुत पसंद है, अभी वो गई हुई है स्कूल, तो मैंने सोचा क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाया जाए, ये हलवा बनाया जाए और ये रेसिपी आप सबके साथ शेयर की जाए। तो चलिए चलते हैं मेरे किचन में और देख लेते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए सूजी के हलवे की रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मीडियम फ्लेम पर गैस ऑन करके मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है। अब हमें इसके अंदर डालना है घी। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक कटोरी देसी घी, आप चाहें तो डालडा घी भी ले सकते हैं। मैं सारा घी नहीं डालूंगी, अभी डालूंगी आधा घी। आधा घी हम बाद में यूज़ करेंगे। अब जैसे ही घी हमारा गर्म हो जाता है हम इसके अंदर डालेंगे सूजी। तो यहाँ पे मैंने ली है एक कटोरी मोटी वाली सूजी। सूजी को डालकर अब हमें चलाना है और चलाते हुए सूजी का कलर चेंज होने तक मीडियम आंच पर ही भूनना है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारी सूजी लाइट ब्राउन होना शुरू हो गई है। बस अब हम इसे एक दो मिनट के लिए और भूनेंगे और उसके बाद हमें इसे वापस प्लेट में निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमारी सूजी भुन चुकी है, इसका लाइट ब्राउन कलर आ गया है। अब करेंगे गैस की फ्लेम को लो और सूजी को हमें निकालना है बाहर। तो यहाँ पे हमने सूजी को बाहर निकाल लिया है। अब सेम कढ़ाई में हम डालेंगे आधा लीटर पानी और गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। अब हाई फ्लेम पर हमें पानी में एक उबाल आने देना है, उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो ये देखिए, हमारे पानी में बहुत अच्छी तरीके से उबाल आना शुरू हो गया है, मैंने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया था। अब हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। तो यहाँ पे मैंने ली है एक कटोरी चीनी, बाकी चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। चीनी डालने के बाद चम्मच से मिक्स करेंगे और अब चीनी के थोड़े से मेल्ट होने तक हमें इसे पकाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चीनी डालने के बाद भी चीनी मेल्ट हो गई है और पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। अभी हम कर देंगे गैस की फ्लेम को मीडियम और इसके अंदर हम डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 10 से 15 किशमिश के दाने और 10 से 15 काजू जिसको मैंने दो टुकड़ों में कट किया है और 10 से 15 बादाम। अभी हम इसमें किशमिश और काजू डालेंगे और बादाम हम इसमें डालेंगे लास्ट में और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ड्राई फ्रूट डालने के बाद चलाते हुए थोड़ा सा और पकाना है और मैं इसमें कोई भी फूड कलर यूज़ नहीं कर रही हूँ जो जर्दे का रंग होता है। अगर आप चाहें, आपको पसंद हो या आपके घर में पसंद हो तो आधा छोटा चम्मच जर्दे का रंग इसमें डाल सकते हैं, उससे और भी अच्छा कलर आएगा। लेकिन वैसे नेचुरल कलर भी बहुत अच्छा आएगा हमारे हलवे का, अभी आप देखते जाइएगा। तो आप देख रहे होंगे मैंने अभी इसमें किशमिश और काजू ही डाला है और बादाम नहीं डाला। तो बादाम ना डालने का रीज़न ये है कि उबलते हुए पानी में जब हम बादाम डालेंगे तो उसका छिलका अलग हो जाएगा और बादाम अलग हो जाएगा, इसलिए जब हलवा पूरा रेडी हो जाएगा तो बादाम हम इसके ऊपर से डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खूब अच्छे से हमारी चाशनी पक गई है और खूब अच्छा सा उबाल आ रहा है और मैंने इसकी मिठास भी चेक कर ली है। इसी वक्त आप अपनी मिठास चेक कर लें, कम ज़्यादा लगे तो आप डाल सकते हैं। अब हम कर देंगे गैस की फ्लेम को लो और इसी वक्त हम इसमें डालेंगे भुनी हुई सूजी। और सूजी डालने के बाद हल्के हाथ से चलाएंगे और गैस की फ्लेम को हल्का सा तेज कर देंगे। अब हमें चलाते हुए हलवे के गाढ़ा होने तक पकाना है कि सूजी फूल जाएगी। ये देखिए, हमारा हलवा जो है गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसे लगातार चलाते रहेंगे वरना ये नीचे से लगने लगेगा। इस वक्त जब हलवा गाढ़ा होना शुरू हो जाता है तो इसकी बहुत ज़्यादा छींटे उड़ती हैं, तो आप इस तरीके से साइड में ढक्कन को लगा लें
और चम्मच चलाते रहें ताकि आपके ऊपर गरम गरम हलवे की छींट ना आए। तो ये देखिए हमारा हलवा जो है काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब इसी वक्त हम इसमें डालेंगे कटे हुए बादाम और साथ ही हम इसमें डालेंगे बचा हुआ घी जो मैंने पहले बचाया था। अब हम इसे 2-4 मिनट के लिए और पकाएंगे और उसके बाद इसे सर्व करेंगे। तो ये लीजिए हमारा बहुत ही आसान ज़बरदस्त सा सूजी का हलवा बनके तैयार है और आप देख सकते हैं कैसा बढ़िया दानेदार हलवा बना है क्योंकि हमने इसमें मोटी सूजी यूज़ की थी। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए हमारा बहुत ही आसान सा सूजी का हलवा बनके तैयार है। आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। आपने लंच फिनिश किया पूरा? मैंने आपके लिए हलवा बनाया है, हलवा खाओगे? चलो खाओ। क्या कैसा लगा? कैसा है हलवा? अच्छा अच्छा, बस अच्छा। बहुत अच्छा नहीं है? यम्मी नहीं है? वेरी गुड, कह दो वेरी गुड। वेरी गुड। तो अगर आपको आज की मेरी सूजी के हलवे की रेसिपी अच्छी लगी हो, आसान लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, इससे मेरी नए नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलेंगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।